जी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। हमारे फ्रॉम मुजफ्फर ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो आपके साथ प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। हमारी वेबसाइट है www.eawaaz.com। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वेबसाइट पर तशरीफ़ लाइएगा। वी डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक। बस इंसान अपनी तमाम ज़िंदगी में ख्वाब देखते देखते अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल कर लेता है। कुछ ख्वाब मुकम्मल हो जाते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। दैट्स व्हाट द लाइफ इज़। हम बहुत से ख्वाब अपने बच्चों पे उनकी तकमील करने की कोशिश करते हैं, बट इट्स अ सर्कल जो इसी तरह चलता रहेगा। अगेन हमारी वेबसाइट www.eawaaz.com। इस प्रोग्राम को रौनक बख्शा करते हैं हमारे साथ जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। बुनियादी तौर पर एक इंजीनियर हैं, लिखने के माहिर हैं, लिखते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं, अपने लिहाज से एनालाइज करते हैं। डॉक्टर समीउल्लाह मलिक, इनकी वेबसाइट है bittertruth.uk। आप ज़ाहिर है बहुत सी जगहों पे अपने टेलीविज़न रेडियो प्रोग्राम्स के साथ साथ अपने लिखने के सिलसिले को यानी आवाम को बेदार करने की कोशिश और काविश में लगे हुए हैं। जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हयातुल्लाह व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया सर। आज आप ही प्रोग्राम की इब्तदा करेंगे और यकीनन आज के प्रोग्राम में एज अ होल हम जिक्र करेंगे जो भी सूरत हाल है, मगर मैं ज़्यादा फोकस अब रहना चाहती हूँ, अपना रखना चाहती हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ। दुनिया की बदलती हुई दुनिया और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये 2001 से मैंने आपने लाउडली सुनना शुरू किया था, बल्कि इराक की जंग में भी सुना था, मगर 2001 के बाद हमने ज़्यादा लाउडली सुनना शुरू किया था। माय फोकस इज़ मोर टुवर्ड्स दैट एंड वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया के ममालिक को एक हिजान बरपा किए हुए ज़रूर है। एंड ऑफ कोर्स जब कोई शॉकिंग वेव्स आती हैं तो उसका इफ़ेक्ट अराउंड द वर्ल्ड महसूस किया जाता है। और पाकिस्तान की कहने को तो हम जो मर्ज़ी कहते रहें, जो सिचुएशन है, ऑफ कोर्स ये शॉक ज़्यादा है क्योंकि बहुत सी जगहों पे शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, हमारे यहाँ तो शॉक एब्जॉर्बर्स भी कोई नहीं है। तो जी डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम की इब्तदा कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कवामीन लिल्लाहि शुहदाए वल क़िस्त ला यज़िमन्नकुम शनानु क़ौमिन अला तअदलू उदलू हुवा अक़रबु लित्तक़्वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुन बिमा तअमलून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत। صدق الله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم امين يا رب العالمين। करोड़ों हम्द व सना रब तआला के लिए और करोड़ों दुरूद खातम नबीयीन हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मेरे बहन, दो कुरान की आयत पढ़ी हैं और उसमें पहले का तो मतलब है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो और लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा ना करे कि इंसाफ छोड़ दो। इंसाफ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है और खुदा से डरते रहो। कुछ शक नहीं, खुदा तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। और दूसरी जो आयत मैंने पढ़ी उसका माना यह है कि हर री नफ्स को मौत उसने मतलब मौत का मजा चखना है। मैंने ये मौत का आयत इसलिए पढ़ी है कि हमारे बड़े ही पाकिस्तान के नामवर पाकिस्तानी सहाफी अरशद शरीफ अफ्रीकी मुल्क कीनिया के दूर अफ्तार इलाके किजाड़ो में हादसाती तौर पर पुलिस फायरिंग की जद में आकर जान भाग हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किजाड़ो जो है नैरोबी से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर जनूब में तंजानी के सरहदी शहर उशाकी की तरफ जाने वाली शाहरा पर वाक़ है। किजाड़ा ना तो कोई वो बड़ा शहर है, ना ही कोई सियाहत का मरकज़ है। ये कस्बा इस रास्ते पर वाक़ है जो ज़्यादातर पड़ोसी मुल्क तंजानिया जाने के लिए राहदारी के तौर पर इस्तेमाल होता है। वहाँ के जो वकीन हैं उनका कहना है कि अगरचे ये हम राहदारी है लेकिन इस पर सफ़र करना महफूज नहीं है। यानी कीनिया पुलिस ने इस रास्ते पर सफ़र करने वाले कुछ मुजरमों को रोकने के लिए एक रोड ब्लॉक कर रखा था। एक चेक पॉइंट पर पुलिस ने कार रोकने की कोशिश की लेकिन ना रुकने पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। ये भी बात वो पुलिस वाले कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि पुलिस कार ना रुकी हो। मैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक बात कर रहा हूँ।
और पुलिस ने जब फायरिंग की तो उसकी जद में आकर शरीफ जो है वो हलाक हो गए। अब सवाल ये है, कई सवाल यहाँ उठते हैं कि पहली बात तो ये कि अरशद शरीफ ने कीनिया का सफर क्यों किया, वो अपने मुल्क में क्यों नहीं रह सका। अपने मुल्क में वो पाकिस्तान का एक मौजूद शहरी था, पढ़ा लिखा था, कोई जुर्म में मुबतला नहीं था, कोई जुर्म नहीं किया था, पाकिस्तान छोड़ने पे वो क्यों मजबूर हुआ। दूसरा ये कि वो नैरोबी, मोम्बासा या दीगर बड़े शहरों की बजाय कजाडो में क्या कर रहा था, क्या वो इस सड़क के जरिए तंजानिया जा रहा था और क्यों जा रहा था वो। पुलिस चेक पोस्ट में उसने कार क्यों नहीं रोकी, जो पुलिस यानी पुलिस का इल्जाम है। लेकिन ये है कि पुलिस ने तो ये कहा है कि हम एक चोरी की कार के लिए नाका लगा कर रखे हुए थे, लेकिन वो जिस जो चोरी की कार का नंबर था वो तो इस कार का नंबर भी नहीं था, उसका रंग भी से मुख्तलिफ था, फिर पुलिस ने उसे क्यों रोका। रोक वाली बात यह है। फिर दूसरी बात यह है कि किसके पास, पुलिस वाले के पास क्या सबूत है कि वो नहीं रुके। ये तो पुलिस वाले कहते हैं वो नहीं रुके। बहरहाल ये तमाम सवाल हनूज जवाब तलब है। अब पस मंजर को समझने के लिए ये तस्करा भी करना जरूरी समझता हूं कि सियासी तौर पर कीनिया जो है अदम इसका बहुत उसका शिकार है, अमन अमान हमेशा ही उसका एक मसला रहता है। अभी पिछले महीनों में यह सूरत इंतहाई अबतर हो चुकी है, हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं वहां पे। कीनिया के मौजूदा सदर रोतो ने गुजशत रोज ही एक पुलिस यूनिट SSU को सियासी और इंसानी हकूक के कारकुनों को हलाक करने का इल्जाम में कालाधम कर दिया है। वहां पे फिर दो बात पिछले हफ्ते दो भारतीय शहरी जुल्फकार अहमद खान और मोहम्मद मोडानी, जो कीनिया के सदर विलियम रोतो की सियासी मेम, जो डिजिटल मेम मीडिया वो चला रहे का काम कर रहे थे, जुलाई 2022 में उन्हें भी लापता हो गए। और बाद में पता चला कि उनको भी कीने के डायरेक्टरेट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के खसूसी स्क्वाड ने गोलीमार कर हलाक कर दिया है। यानी इस जैसी मुतद वारदातों के बाद सदर ने इस यूनिट को खत्म करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ये क्या वजह है कि ऐसे ही लोगों को मारा जा रहा है जो कि इन्वेस्टिगेटिव के काम कर रहे होते हैं। इंडिया के जो दो आदमी मारे गए वो भी इन्वेस्टिगेटिव के थे और ये भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था अरशद शरीफ। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि इन सवाल के जवाब का इंतजार किया जाए। अच्छी बात तो यह है कि हुकूमत ने फौरी तौर पर अपने इदारों को इसकी तहकीक पर मुकर्रर तो कर दिया है। मरहूम अरशद शरीफ के नुकसान से मैं कई मरतबा इख्तराफ किया, जिसको मरहूम खुले दिल से इतराफ भी करते रहे, मैं भी उनकी बातों का इतराफ करता हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन यकीन कीजिए कि इस जवां साल मौत ने मुझे तोड़ के रख दिया है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस पर कोई ताबित कर सकूं उसके साथ। मसला यह है कि मैं एक और चीज आपके तौर से ही कहना चाहता हूं कि अरशद शरीफ एक मौजूद शहरी था, पाकिस्तान की फौज का एक जवां साल शहीद का भाई था, छोटा भाई था इसका, भाई अरशद शरीफ वो भी था, बाप नेवी में था, इसने उनको समझ मुल्क मुल्क की खिदमत की है। अगर बेनजीर अपने मुल्क के अंदर कत्ल हो जाती है और कत्ल होने के बाद उसकी तहकीक जो है जरदारी जो है वो UNO के स्क्वाड से कराते हैं, ये अरशद शरीफ की, मेरा ये मुतालबा है कि अरशद शरीफ की जो तहकीक है ये कीनिया की पुलिस, पाकिस्तान की पुलिस से न करवाई जाए, बल्कि इसे इंटरनेशनल पुलिस को दिया जाए, इंटरपोल को दिया जाए, इंटरपोल इसकी तहकीक करे। बहरहाल मैं इसी बात पे बस ये चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक शेर याद आ गया कि सोशत ये है, जो जान की अमान चाहते हो तो अपने लौह कलम कतलगाह में रख दो, वरना आपके निशाना एक ईमानदारों का बस एक तुम हो सो गैरत की राह में रख दो। ये शर्तनामा जो देखा तो एलची से कहा, इसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद कर दे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। इसलिए अगर वो लोग ये समझते हैं, जिन मैं ये क्यास पे बात कर रहा हूँ, अगर वो लोग समझते हैं कि हमने इसे रास्ते से हटा के अपना को रास्ता साफ कर लिया है, तो ऐसी बात नहीं है। हर रोज रात को अल्लाह ताला जो है सूर्य गुरूब करते हैं, और सूर्य गुरूब होने के बाद जो है वो हम देखते हैं कि फिर सुबह सूर्य उससे निकलता भी है और फिर आबोताब के साथ वो चमक चमकता भी है। इसलिए जुल्म जो झूठ जो होता है, जुल्मत जुल्मत का एक अस्तारा होता है। इसलिए मैं आपकी इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अरशद शरीफ की मौत पर ताज़ियत भी देता हूँ, उनके खानदान को पुरसा भी देता हूँ, और अपने ख्याल का इजहार इस तरीके से करता हूँ कि आपकी सियासी मुखालफत जितनी मर्जी हो, लेकिन यह है कि जैसे किसी की जान ले देना, ये इससे बड़ा कोई जुल्म और हो नहीं सकता। सर, मैं इस सब्जेक्ट को टच नहीं करना चाहती थी, आपके मेरे दिल में बहुत एहतराम है, मगर मैं यकीनन यहाँ पर दो एक बातें अब ज़रूर ऐड करना चाहूँगी।
नंबर वन ये कि हम हर चीज़ को पॉलिटिकल ग्राउंड दे देते हैं। अरशद शरीफ के बारे में ही वॉज इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, कोई शक नहीं है। अगर आप याद करें तो नवाज शरीफ साहब की एक शुगर मिल हुआ करती होती थी, कीनिया में शुगर मिल थी, और कीनिया लॉलेस लैंड है। कीनिया वहाँ पर आज मैं एक आर्टिकल आपके साथ, मैं आई कैन नॉट शेयर दैट आर्टिकल, और ये द नेशन कीनिया में ये बाकायदा छपा है कि इस पुलिस को इंस्पेक्टर को 10,000 के करीब दिया जाता है, पुलिसमैन को 5,000 कीनिया की मनी के बीच में, और अगर उससे ऊपर का बंदा है तो उसको 25,000 कीनिया की रकम में प्रोवाइड किया जाता है, यानी सर की कीमत अदा की जाती है और किसी को भी कत्ल करवाया जा सकता है। ठीक, द नेशन आप देखिएगा, और ये ह्यूमन राइट्स कमीशन अब इसकी रिपोर्ट कर रहा है। काबिल एहतराम जनाब समीउल्लाह मलिक साहब, आपने फरमाया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इन्वेस्टिगेशन, तो रिज़ल्ट तो कोई ना आया ना, हालांकि वो जो राव नवाज था उसने तो आपको आखिर में आके प्रूव दे दिया था कि फ़ोन किसके पास था और क्या था, मगर देर आर फ्यू थिंग्स कि अपने अपनों को मरवा देते हैं, ये सब लफ्जी कहानी है। एंड द वर्स्ट थिंग इज़, मैं इस टॉपिक को टच नहीं करना चाहती थी, एंड द वर्स्ट थिंग इज़ कि पाकिस्तान में अशराफिया का मुल्क है, मनी टॉक्स वाली बात है, आप कोई भी फैसला ले सकते हैं, पैसे के लिए अपने अपनों को मरवाया भी करते होते हैं, और अगर आप साहिब इक्तदार हैं तो उन रिकॉर्ड्स को सरफेस पे कोई लाने नहीं देगा, उन रिजल्ट्स को सरफेस पे नहीं लाने देगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कीनिया नेशन की आप ये रिपोर्ट देखिएगा, जिसमें बाकायदा ये ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं कि किस तरह से कीनिया की पुलिस को पैसा दिया जाता है। नंबर एक। नंबर दो, ड्राइवर गाड़ी को चला रहा था और जनाब अरशद शरीफ साहब साथ वाली सीट के ऊपर मारे बैठे हुए थे, गोली लगती है और ऐसा टकाने के ऊपर उनके सर के ऊपर गोली लगती है, साथ वाला जो ड्राइवर है उसको आँच भी नहीं आती, मिस नंबर, गाड़ी का नंबर प्लेट भी वो नहीं है। फिर अगर एक गाड़ी के बीच में एबडक्टेड चाइल्ड है, हम बच्चों के नाम पे फेवर्स तो हासिल किया करते होते हैं, इट्स अ फॉल्स स्टोरी। आप देखिएगा आज कीनिया का टेलीविजन भी उसको ये कह रहा है कि इट्स असैसिनेशन, और अगर पीछे पीछे बच्चा बैठा हुआ है, पीछे से गोली चल रही है, तो क्या बच्चे को गोली नहीं लग सकती, तो इट वॉज असैसिनेशन। यहाँ पर मेरा अगला सवाल आता है, जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, अल्लाह तबारक ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उन्होंने ऑर्डर किया गलत मरवा देना, ये रीतें पता नहीं कब से पड़ी हुई हैं, जनाब कसूरी साहब के ऑर्डर देने वाले थे ना, जाके कत्ल करने वाले तो नहीं थे ना, मगर अपनी पर्सनल रिवेंजेस के बीच में बाकियों को सजा हुई ना हुई, भुट्टो साहब जो ऑर्डर देने वाले थे उनको सजा हो गई है। क्या आज 30 साल के बीच में कानून की जो शक्ल बन गई है, उस शक्ल के तहत ये कत्ल का ऑर्डर देने वालों को तो कोई सजा भी नहीं दे सकेगा? शाहजेब जो तो ही निकल के बाहर आ गया है ना, बिकॉज दे आर ऑल, दे हैव मनी, दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट, दे आर इन पावर, दे कैन बाय एनीथिंग, दे कैन बाय एनीबॉडी। अब जिस हालत में हम चल रहे हैं, अब तो मुझे शर्मिंदगी होती है जब इंटरनेशनली ये जो एक्टिविस्ट हैं, जब इन चीज़ों को, खबरों को रिवील करेंगे और जो हमारी शक्ल सामने है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो ट्रेटर्स हैं, जो बाहर बैठ के आपके थिंक टैंक्स के बीच में पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उनका तो आप कोई कुछ ना कर सके, मगर एक शख्स जो बोलता था आपने उसको मरवा दिया, चाहे वो आपके पॉलिटिशियंस या जो, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है, मगर यस ये कीनिया। अगली बात जो मैं लास्ट बात यहाँ पे करना चाहती हूँ, आपको पता ही होगा कि एक जो फिल्म बनी है जिसको नेटफ्लिक्स पे दिखाया जाएगा, बिहाइंड द क्लोज डोर इस फिल्म का नाम है, इसमें जो इन्वेस्टिगेटिव और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, मगर जो पाकिस्तान से इसको प्रोब कर रहे थे या इसमें रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, वो अरशद शरीफ थे। अरशद शरीफ को एक स्कूप मिला समझ लें, या जो भी आप उसको एक हिंट मिला कि यू कैन गेट अ गुड न्यूज़ फ्रॉम कीनिया, बिकॉज आपको याद होगा शरीफ की एक फैमिली, शुगर फैमिली, शुगर मिल हुआ करती होती थी इन कीनिया। ठीक, आपने फरमाया कि इनको क्या हुआ कि यहाँ से निकल के वहाँ चले गए, जाने कौन सा देता है मुल्क आपको आपके पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर अपने ममालिक में। कीनिया में उसको रास्ता मिला, फिर शायद उसको एक ऑब्जेक्टिव मिला होगा, वो कहते हैं ना किसी को फंसाने के लिए ट्रैप ही किया जाता है ना, कि यू विल गेट गुड
नोट्स अबाउट दिस शुगर मिल के कैसे शुरू हुई और कैसे बंद हुई और उसका पैसा कैसे मूव हुआ, शायद अपनी उस चक्कर के बीच में गए हों। एनीवेज वल्लाह आलम बिस्सवाब, मैं ये कहती हूँ कि दुनिया में चीफ जस्टिसेस भी हैं। या तो मेरा और आपका रिलीजन इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग, झूठा रिलीजन, या वी बिलीव इन द ग्रेटेस्ट जज एंड विच इज अल्लाह सुबहाना व तआला। वी विल वेट फॉर दैट डे। और बीइंग अ मुसलमान और हमारा बिलीव सिर्फ यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और कुरान में अल्लाह ने कहा है कि जो ईमान लाया किताब पर, अल्लाह पर, रसूलों पर, किताब पर, डे ऑफ जजमेंट के ऊपर, वादानियत के ऊपर, वो हक की राह के ऊपर है। एंड डे ऑफ जजमेंट तो आएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया था क़यामत के बारे में, तो आपने फरमाया था कि मेरी शारक से भी करीब है। इस ख्वाब की दुनिया में जब आप मैं हैं, और अगर आप साइंटिफिकली इसको देखना चाहते हैं ना, लाइफ आफ्टर डेथ को देखिएगा, एवरीबडी जो मौत के करीब जब उनके या जो कौमे में से वापस आए, उन्होंने कहा विद इन अ सेकेंड दे कुड सी द होल लाइफ फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ। मुझे और आपको लगता है कि ये लंबा दौरानी है, मगर जब हम मौत के करीब होंगे ना, तो ये दौरानियाँ बहुत मुख्तसर है। जैसे आसमान से रोशनी आती है, नूरी सालों का जिक्र आता है, ये बड़ी मिस्टीरियस लाइफ है। बट ऑफ कोर्स वी बिलीव इन द ग्रेटेस्ट जज, जजों का जज और अल्लाह सुबहाना व तआला। या तो आप अपना बिलीव छोड़ दें। नहीं, बात यह है कि मैंने जो सवाल उठाए हैं वो क्या लेने गए थे उसकी आपने थोड़ी तशरीह कर दी। मेरा मकसूद यही था कि वो कीनिया में उसका तो कोई बिजनेस नहीं था अरशद शरीफ का ना, उसका तो कोई कारोबार नहीं था, वो आकर इन्वेस्टिगेटिव था, वो किसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए गया हुआ था। मैंने सवाल इसलिए किया, मैंने ये सोचा, मैंने कहा वो क्यों गया वहाँ पर। लाजमी बात है इससे फिर और सवाल निकलेंगे कि जिन लोगों को खतरा था वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उनकी तरफ तो उंगली उठेगी, उस समय तो जाएगा। मैं मेरा तो इशारा ये है, आप समझ गई होगी, उस आपने अच्छा किया कि आपने सिर्फ ये कहती हूँ खुदा का वास्ता है पाकिस्तान पे तरस करो। आई फील सैड अबाउट आवर यंग जनरेशन। और जब हम झूठ को बीजेंगे ना, मंकी सी मंकी डू, आपकी नौजवान नस्ल ने ऐसे ऐसे झूठ बोलने हैं कि किसी के पास तोड़ नहीं होगा, शेर का सवा शेर नजर आएंगे आपको। एनीवेज सैड, आप इमेजिन कीजिएगा कि बाप ने आर्मी की सर्विस दी, भाई ने आर्मी की सर्विस दी, आज ये भी गया। और कुरान में जहाँ और बहुत सी बातों का जिक्र है ना, वहाँ यतीम की कफालत का भी जिक्र है। मेरे आपके लिए आज हमने महसूस कर दिया। एक वीडियो क्लिप देख रहा था, जिस वीडियो क्लिप के अंदर अरशद जो है अपने भाई शहीद की यूनिफॉर्म और झंडा जो है वसूल कर रहा, रो रहा है। तो मुझे यकीन कीजिए कि मैं अपने जज्बात पे काबू ना रख सका। मैंने कहा कि जालिमों इसी बात का ख्याल कर लिया होता है कि ये किस खानदान का बच्चा है। और अभी ये ना, असल में आप फिल्म देखें बिहाइंड द क्लोज डोर, बिकॉज ही वॉज वोकल। आपने क्या था, मकसूद चपरासी को मरवा दिया, डॉक्टर रिजवान को मरवा दिया, एक और कोई फजल था उसको मरवा दिया, किस किस को आप मरवाएंगे? मगर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और अल्लाह ने कुरान में कहा है कि वो रस्सी को दराज किया करते होते हैं, रस्सी को दराज किया करते होते हैं। आई जस्ट बिलीव इन डे ऑफ जजमेंट। आई माइट बी अ रॉन्ग पर्सन, मगर मुझे जिंदगी में रहते हुए लगता है कि ये बड़ा लंबा दौरानिया है। दीज आर वेरी हार्ड फैक्ट्स। एनीवेज वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है, हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक मैं थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स को डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहती हूँ कि पाकिस्तान को जो दुनिया में पाकिस्तानी बैठे हुए अगेंस्ट पाकिस्तान थिंक टैंक्स को रन कर रहे हैं ना, करना है तो उनका कुछ करो। कौन कौन से रिकॉर्ड्स को चेंज करोगे पाकिस्तान की अगली नस्ल को संभालने के लिए? डोंट पुट एवरीथिंग अंडर द कारपेट, उनको एक पेज पे रखिए। दैट्स व्हाट आई से, झूठ की इतनी तरवीज ना करें। और आप सोचिएगा, आजकल तो मैं बल्कि हैरान होती हूँ कि आंखों में आंखें डाल के झूठ बोला जाता है। बहरहाल, अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे। आमीन सुमा आमीन। एक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक साहब। हमारा अगला टॉपिक जो है जियोपॉलिटिक्स के बारे में। हमने लॉबिंग की अपनों को मरने और मरवाने के लिए, किसको लेके आना है, किसको उतारना है, इसी पे हमने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी और अपने वसाइल को ज़ाया कर दिया। इंडिया ने लॉबिंग की अपना नाम बढ़ाने के लिए। आप किसी भी टेक्निकल इंडस्ट्री पे देख लें, लीडिंग, हम तो अंग्रेजी और उर्दू के बम्बल भूसे में फंसे रहे। ठीक, अब आप देखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कमला हैरिस, ओके, मैं अगर कमला हैरिस के बारे में जिक्र करती हूँ तो ऑफ कोर्स शी वाज बोर्न इन 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 अमेरिका, मगर वालिद उनके जमैकन, वालदा उनकी इंडियन डिप्लोमेट की बेटी थी। और जाहिर है आप इमेजिन कर सकते हैं कि बेटी के बीच में यानी ग्रैंड डॉटर के बीच में क्या खसूसियात होंगी, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अ वेरी सीनियर पोजीशन। नाउ कमिंग बैक के इंडियन डिप्लोमेट की ग्रैंड डॉटर हैं वो, और माँ ने अपने बाप के साथ पूरी दुनिया की में एज ए डिप्लोमेट ट्रैवल किया होगा, और उसके बाद अपनी बेटी के बीच में भी वही चीज़ें पैदा की होंगी। व्हाट अ टैलेंटेड वुमन, एंड शी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट। नाउ कम बैक, तारीख एक और रकम हुई, एक और तारीख कहाँ रकम हुई, जहाँ पर के आज बरतानिया में जो रशी सुनक हैं, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। ग्रेट डील। इमिग्रेंट फैमिलीज में ही पैदा हुए थे, इंडिया से ये लोग कीनिया की तरफ गए, कीनिया से फिर ये यहाँ पे आ गए। देन ही गॉट मैरिड इन अ वेरी रिच फैमिली, उनके जो फादर इन लॉ हैं वेरी रिच मैन, और अरबपति सुसर हैं, भारतीय अरबपति सुसर हैं। हिज वाइफ इज़ वेरी रिच। एंड नाउ तारीख रकम हुई कि भारतीय नजात प्राइम मिनिस्टर इन इंग्लैंड, और उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि बहुत सारी चीज़ों को चेंज करते हुए डेफिनेटली कंजर्वेटिव पार्टी को लीड कर रहे हैं। तारीख रकम हुई कि नहीं हुई, और हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं, थोड़ा फरमाएंगे सर इसके बारे में कि दिस इज हाउ द कंट्रीज दे प्रूव देमसेल्फ। बहुत शुक्रिया बहन। बात यह है कि आपको यहाँ के इस निजाम की हुस्न की भी तारीफ करनी चाहिए कि जिसने ये मौके फराहम किए। आप ये देखें कि ये जिस जहाँ बरतानिया में मैं रहता हूँ, जिस बरतानिया के वजीर आजम का आप जिक्र फरमा रही हैं, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के लोग नहीं, दुनिया के 72 ममालिक के अकवाम, 72 अकवाम जो है यहाँ पे मौजूद हैं। और किसी न किसी शहर में और हर शहर में आपको तकरीबन हर अकवाम की नुमाइंदगी मिलती है। और मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों का हक बेहतर है, फाइक है, वो हकदार हैं जो कि मेहनत करके इस मौके पर या इस ओहदे तक पहुँचते हैं। इससे पहले शहीदा वासी भी आई, हमारी मुसलमान खातून थी, पाकिस्तान गुजर खान से इनका ताल्लुक था। वो कंजर्वेटिव पार्टी की वो भी चेयरमैन बनी थी, और उसके बाद वो मिनिस्टर भी बनी। वो पहली मुसलमान और गैर गैर ब्रिटिश यानी वो थी, जो उस वक्त ब्रिटिश थी जो बनी, लेकिन ये कि वो भी एक मजदूर बाप की बेटी थी। इस तरह मोहम्मद सादिक जो कि दूसरी दफा मेयर बने हैं लंदन के, और मेयर का जो है जो स्टेटस है यहाँ पे, ये भी तकरीबन वजीर आजम से कम नहीं होता है। वो पाकिस्तानी एक बस ड्राइवर का बेटा है। और मैं आपको इस निज़ाम के बारे में बताना चाहता हूँ, कतअ नज़र इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात नहीं मैं कर रहा। मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं, तो यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो सोसाइटी है, यहाँ का जो माशरा है, यहाँ का जो निज़ाम जमहूरियत है, उनको किस तरह बढ़ने के, फलने फूलने के मौके अदा करता है। इस वक्त पाकिस्तान यानी बेशतर जो बड़े बड़े बरतानी के शहर हैं, उनके जो मेयर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, डिप्टी मेयर्स हैं, लॉर्ड्स भी हैं यहाँ पे, एमपीज भी हैं हमारे यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ इस बात की तारीफ करनी चाहिए, मतलब मैं जिस निज़ाम की तरफ बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है मुहैया की, और किसी ने लेग पुलिंग वाला मामला नहीं किया या किसी बात नहीं होता यहाँ पे है। लेकिन ये जो आपने एक बात कही ना, कि यहाँ पे इसके हमारे जो नए वजीर आज़म जिन्होंने हल्फ उठाना है कल, इनके वालिद का ताल्लुक ये गुजरावाले में पैदा हुए थे, पाकिस्तान गुजरावाले में, मतलब वहाँ पे इनकी पैदाइश थी। लेकिन वहाँ से हिजरत करके इंडिया गए, इंडिया से फिर वहीं पर बनने से पहले ये कीनिया चले गए। मकसद ये नहीं है कि इसे साबित किया जाए कि इनका भी बैक जो पाकिस्तानी असल पाकिस्तान से गए थे, ये मकसद ये है कि मैं इस निज़ाम की बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि हाँ, हमें इस बात का ड्यू क्रेडिट देना चाहिए इन लोगों को कि इन्होंने पाकिस्तानियों से बढ़ के ज़्यादा यहाँ की लोकल सियासत पे हिस्सा भी लिया, अपना किरदार भी अदा किया, और आज वो इस
इस जगह पे पहुंचे हैं कि वो उनके वजीर आजम भी उनका बन गए हैं, होम सेक्रेटरी भी उनका बन गया है, ये वाइस, ये हमारे चांसलर भी रहे, ये आप जो वजीर आजम बने, ये हमारे वजीर खजाना भी रहे, वजीर आजम से यानी वजीर आजम के इक्वली यहाँ पे वजीर खजाना का उदा भी समझा जाता है। और हमेशा ये यहाँ पे रवायत मौजूद है कि जो वजीर खजाना बनता है नेक्स्ट की टर्न उसकी वजीर आजम, जो वजीर खजाना बनता है नेक्स्ट टर्न उसकी वजीर आजम ही की होती है, और ये वही हुआ। इससे पेशतर भी यानी अगर देख रहे हैं बताने की तारीख हमें बताती है कि जो पहले चांसलर बने बाद में वो जो है वजीर आजम के तक पहुंचे। सर, मगर वही बात है ना, हम हर चीज़ को पाकिस्तान को बीच में घसेड़ लेते हैं, मगर अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी आए ना, तो आप इमेजिन करें, नहीं आज मैंने आगे यहाँ आ पे जा आप आगे आ एक्चुअली जाइएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इंडिया को चेयर कर रहा था, पाकिस्तान ने लाख कोशिश की कि इंडिया को चेयर से हट जाए। दिस इज वॉट द लॉबिंग इज, दिस इज वॉट हाउ यू प्रूव योर सेल्फ एंड यू इम्प्लीमेंट वट यू वॉन्ट। आप वो चीज़ें लेके आना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, ठीक, आप असरअंदाज होते हैं दूसरे ममालिक के ऊपर। ऑफ कोर्स ये तारीख रकम हुई है, इट्स अ बिग डील, यानी गोरा और ख़ास तौर पे ब्रिटिश इतनी आसानी से ब्राउन स्किन को एक्सेप्ट करने का नहीं है। यस, ऋषि सुनक कैन हैव प्रॉब्लम्स इन द लॉन्ग रन, इनकी जो वाइफ है, इनकी इनकी जो कंपनी इंफोसिस कंपनी है, उसके साथ से 72 करोड़ 10 लाख डॉलर की इनकी कंपनी की मालियत है, और कहा जाता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि ये गैर मुल्की आमदनी पर बरतानवी टैक्स अदा नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि शायद कल कलां को प्रॉब्लम्स आए। मगर अगर वो बरतानिया को इस क्राइसिस से निकाल लेते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है चीज़ें इतनी अनकवर नहीं होंगी, बट इट इज़ अ बिग डील। यहीं से मैं आपको लेके आना चाहती हूँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पाकिस्तान में बड़ी सेलिब्रेशन, हम ना हर चीज़ को गलत मलत करने के चक्कर के बीच में होते हैं, हर चीज़ को गलत मलत करने के चक्कर में होते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट, मैं ये कहती हूँ, आप फैक्ट्स ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट एट योर हार्ट। वो कहते हैं ना कि कमज़ोर तरीन ईमान की निशानी ये है, मेरा अपना, मैं खुद कमज़ोर इंसान हूँ, कि आप गलत को गलत तो कम से कम अगर कह नहीं सकते तो दिल में सोच तो सकें। ये मैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अगर जिक्र करती हूँ कि इंडिया को चेयर कर रहा है, पाकिस्तान ने कोशिश भी किया कि ये को चेयर ना करे, पाकिस्तान हैड अ डिफिकल्ट टाइम फाइनेंस। बाय द वे, जब ये बात कर रही हूँ, मैं कल ही की रिपोर्ट पढ़ रही थी कि जो इस वक्त वर्ल्ड क्राइसिस चल रहे हैं, शायद बरतानिया को भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पास जाना पड़ जाए। ये इतनी बड़ी गेम है, और आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हो, आप लोगों का एक्सपोजर मुझसे ज़्यादा है, मैं तो ऐसे धक्के से कुएं में गिराई गई। मगर आप इमेजिन कीजिएगा कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का, यूरोप कंट्रोल होगा, बिकॉज़ यूरोप अंधाधुंध तकलीफ कर रहा है इस वक्त। उधर नॉर्थ की तरफ आप चले जाएं, आर्कटिक 95% शीट मेल्ट हो गई है, अब वहाँ पे खजानों को किसी ने टच नहीं किया हुआ, कौन उसको रूल करेगा? अभी एट द मोमेंट तो 53% बॉर्डर क्योंकि रशिया के साथ है, तो रशिया, मगर हर मुल्क चाहता है कि मतलब मेरा हो उन वसाइल तक, हो कल कलां के लिए, आपको यूरेनियम भी चाहिए, आपको तेल भी चाहिए, आपको गैस भी चाहिए, और अमेरिका तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अलास्का वहाँ से साथ लगा हुआ है। एनीवेज, चाइना को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी जो वो गुजरगाहें हैं उसको ब्लॉक करने के लिए, कहीं चाइना ग्वादर के पास आ गया, कहीं म्यांमार के पास, कहीं श्रीलंका की पोर्ट के ऊपर आ गया। ऑफ कोर्स इंडियन ओशन में भी बहुत सारे ज़खायर हैं, कौन इस पे कंट्रोल करेगा? इंडिया विल नेवर एक्सेप्ट। बे ऑफ बंगाल का वाक्या, हमने प्रोग्राम भी इस पे किया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जब फैसला किया, तो मैं जनाब समीउल्लाह मलिक साहब से जिक्र करूँगी, और फिर मैं उस रिपोर्ट को भी आपके साथ शेयर करूँगी, कि आम अवाम जो है ना, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज आता है कि जी बस एक दिन के बीच में हो गया, नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। जी सर फरमाइए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अल्टीमेटली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में डाला, इसको भी इंडिया ने अपोज किया, क्या फरमाएंगे आप? ये बहन कि मैं एक छोटा सा एक फिक्र पिछले सवाल के बाद मैं कह दूं कि जब हमारे जो मुतवक्को वजीर आजम बरतानिया के जो अब कल हलफ उठाने वाले हैं, ये जब वज़ीर ख़जाना थे तो उन्होंने ऐलान किया था यूक्रेन के मामले में कि बरतानी के तमाम अदारे जो कि यूक्रेन के रूसिया के साथ जो कारोबार कर रहे थे, तो उनके तो तमाम कारोबार को बंद कर दिया गया था। लेकिन 2 दिन के बाद ही पता चल गया कि इनकी बीवी खुद, रशिया जो है बहुत बड़ा क्लाइंट है इनकी बीवी की कंपनी का,
और बड़ी सुखी हुई इनको, और वो बिलियन बिलियन डॉलर्स का कारोबार उनके साथ रशिया के साथ हो रहा था। तो उसके बाद तो ये की जा रही थी कि इनको बकायदा तौर पर प्रेशर आ गया था कि वजारत खजाना के मनसब से इस्तीफा दे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दे सके। अगर यही बात, ये भी खबर चली थी कि अगर यहाँ पे कोई गोरा होता तो यकीन इस बात पर इस्तीफा दे देता। अब आइए आपके एफएटीएफ बात में करना जा रहा हूं। मतलब बात यह है कि आप एफएटीएफ को इस तरह मामूली ना समझें, पहले ये देखें कि इसकी बुनियाद बदनीति पर रखी गई, सदारे की बुनियाद इसलिए बदनीति पर रखी गई जब अमेरिका को जरूरत थी पाकिस्तान की, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहा, रशिया के जमाने में इस्तेमाल करता रहा, और जब उसे बात उसकी तय थी, जब आपको याद होगा जब रशिया, जब रूस आ गया था अफगानिस्तान के अंदर, तो पहले 1.5 साल तक सिर्फ पाकिस्तान अपने वसायल के साथ अफगानिस्तान मिलकर रशिया से लड़ता रहा, और 1.5 साल के बाद जब जिमी कार्टर और पेंटागन एफआई ने देखा कि ये तो खड़े हो गए हैं, तो उनका ये बेहतरीन मौका है अपने सुपर पावर बनने का और रशिया को तोड़ने का, जिस तरह आज यूक्रेन में फिर दाखिल हुए हुए हैं। फिर ये 1.5 साल के बाद आया, और पहले जब मोदी ने ऑफर की थी तो जनरल जिया उस जमाने में उन्होंने जिमी कार्टर की मूंगफली का कारोबार था, उन्होंने कहा कि हमें इस मूंगफली की जरूरत नहीं है, उन्हें पास रखे आप। उसके बाद फिर रातों रात इनके वफूद आने शुरू हो गए, और लंबी कहानी है। लेकिन जब रूस टूट गया, रूस चला गया अफगानिस्तान से, तो उसके बाद अगर याद हो तो वन वर्ल्ड का ऐलान हुआ, और इसमें ये कहा गया, उन्होंने कहा कि हमारे दो दुनिया में दो बड़े दुश्मन थे अमरीका के, वन वर्ल्ड के मुकाबले में एक रशिया था जिसे हमने खत्म कर दिया, और दूसरा इस्लाम है। ये बकायदा नाम लिया गया वन वर्ल्ड के अंदर, अगर आज जब गूगल कर ले और यूट्यूब पे चले जाएं तो आपको चीजें मिल जाएंगी। फिर दोबारा इतफाक कैसा हुआ, 9/11 का वाक्य पेश आ गया, इनको पता चला कि अफगानिस्तान के अंदर तो इतने माइंस हैं, और उसके साथ रशिया की जो स्टेट्स टूटी हैं उसमें इतना पेट्रोल है, इतना उन्होंने कहा कि ललचाई नजर उसकी तरफ देखा, तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को पहले कोशिश की गई कि अफगानिस्तान को अपने काबू में किया जाए, लेकिन जब काबू में नहीं आए तालिबान तो 9/11 का हादसा हो गया। 9/11 के बारे में भी इनकी रिपोर्ट मौजूद है कि किसने करवाया किसने नहीं करवाया। भारत उसके बाद जब ये आए 11 साल की तस्वीर के बाद जब वहां से लौटे, वहां पे अब इनके दो मसले थे। एक तो ये मसला था कि इतनी बड़ी सुपर पावर, यूनिपोलर पावर बनी हुई थी, इसे इसे नाक रगड़ के और इसे वहां से निकलना पड़ा। लेकिन ये कभी भूलते नहीं अपनी इस बात को, इन्होंने भारत अपनी फौज को तो निकाल लिया, वो उस वक्त पाकिस्तान इन्हें बड़ा ब्लू आई इनका फ्रेंड था, उस वक्त भी जो वादे इन्होंने अफगानिस्तान से निकलते हुए किए थे रशिया के जमाने में, रशिया को निकालते हुए वही वादे अब भी किए गए थे, लेकिन किसी एक को पूरा नहीं किया गया। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सी पैक भी इस दौरान आ गया, पिछले जो अफगानिस्तान के साथ जो जंग थी उस जमाने में पाकिस्तान ने अपना एटमी प्लांट जो है मुकम्मल किया था, अब पाकिस्तान एटमी कुवत है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां मुसलमान कुवत ऐसी है जो कि न्यूक्लियर पावर है। अब रशिया जब चीन के साथ सी पैक बन गया, और उन्होंने कहा कि ये तो खित्ते में एक नई गेम शुरू होने जा रही है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बालों पर कैसे काटे जाएं, और जिसके लिए फिर ये फैटफ जो है वजूद में आया। और फिर वजूद में आया, क्या आप नहीं जानती कि बरतानी के अंदर कितने हजार लोग हैं जो कि बाहर गैर मुल्क सरमाया यहाँ लेके आके बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो ये तो बहुत से लोगों की गैर मुल्क की दौलत की जन्नत है। मुझे बताएं स्विट्जरलैंड के बारे में आप नहीं जानते, या मैं नहीं जानता, सब जानते हैं कि स्विट्जरलैंड के बैंकों में किन किन लोगों के पैसे हैं और कैसे कैसी रुकू मौजूद है। क्या स्विट्जरलैंड ने आज तक किसी को हिम्मत हुई कि उसे फैटर में लाते, तो पूछते भी कि तुम्हारे पास इतनी दौलत पड़ी है तुम कहां से लाए हो, और कम ये कहां से आई है, इनका अकाउंट नंबर दे दो हमें, मतलब किसी ने बताया नहीं, ये मुनाफिक पर अपनी पॉलिसी थी, और उन्होंने शुरू किया अपने पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए, पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर को कैप करने के लिए किया। जब उन्होंने देखा को पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 37 शरायत आज कर दी जिसके बारे में उनका ख्याल था ये तो कभी पूरा ही नहीं कर सकता। फिर उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान को तो मेंबर नहीं बनाया, इंडिया का उसको मेंबर बना दिया, फिर इंडिया की उस कमेटी का भी मेंबर बना दिया जो कि डिसीजन मेकर में थी, उसका भी मेंबर बना दिया। उसे पता था कि इंडिया तो किसी हाल में भी पाकिस्तान की जो है वो इसको इसको ग्रे से ब्लैक लिस्ट लेने में पूरी कोशिश करेगा। लेकिन 37 जो थी शरायत हम पे आज की गई, वो पंजाबी में आया ना कि कुबिल लतरास आ गई, हमने भारत वो पूरी करके दिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की, सारी चीजें बाद आई। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बदनीति पर मबनी ये अमल था, और सारी की सारी शरारत जब पूरी हो गई तो फिर खुद उन्हें वो थूका चाटना पड़ा और उसे निकालना पड़ा। अब उन्होंने ये किया है, उन्होंने कहा कि हमने निकाल तो दिया है लेकिन मुसलसल हमारी निगाहें आप पे रहेंगी। मैं ये कहता हूँ कि इनकी निगाहें हम पे जो मौजूद हैं, ये इसकी वजह ये है कि हमारी हमारी खारजा पॉलिसी कुछ नहीं है, कमजोर खारजा पॉलिसी हम चल रहे हैं, यही कमजोर खारजा पॉलिसी की वजह। आपने पहले कहा कि हम मरने मारने पर तुले हुए हैं और लोग जो है किस तरह तरक्की कर रहे हैं, हमने तो अपने जो बहर का मार्ग जो समझा था, ये पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान के लोग जो मेयर बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, लॉर्ड्स बन सकते हैं, वो वजीर भी तो बन के ही ना सैदाबाद से,
तो क्या आप वजीर आजम नहीं बन सकते? बन सकते हैं, बनेंगे, लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ के जो पाकिस्तानी जो वजीर आजम, कल कल आपको खबर आई कि पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया है या अमरीका का वजीर आजम बना है, तो यकीन कीजिए कि वो सिर्फ अपनी जाति मेहनत की वजह से बनेंगे। लेकिन यहाँ मैं ये भी आपको बता दूं कि यहाँ हमारे जो वजीर जो बन रहे हैं, हमारे हमें इस वक्त कोई इंडिया का इतना बड़ा हाथ अगर हाथ तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हाथ है भी तो यही है कि इसके वालदैन का ताल्लुक किसी जमाने में इंडिया से था, लेकिन यहाँ का निज़ाम जो है इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि आदमी इसलिए इंडिया की हमायत करे कि वो खुद इंडियन है। यहाँ तो उसूलों की सियासत होगी, उसूलों की कानून बनाए जाते हैं और उन्हीं कानून पर अमल होगा। जमाल खाशजी के कत्ल के बाद ना सऊदी अरेबिया की बड़ा डिफेम किया गया था, तो टू कम इन गुड न्यूज़ उन्होंने फुटबॉल और गेम्स और औरतों का ओलंपिक्स में जाना उस चीज़ की तरफ आए, तो फ़ायदा हो या ना हो सर, लॉबिंग का फ़ायदा तो हुआ करता होता है, किसी कंट्री का पॉजिटिव इमेज तो डेवलप हुआ करता है कि ऑफ कोर्स वहाँ से ये लोग निकले थे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो रिज़ल्ट आया है, मैं दो तीन चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा। आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क बाय पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ दे हैव लार्जली एड्रेस ऑल द एक्शन प्लान्स, यानी वो जितना भी हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसके बारे में, यानी जो टेररिस्ट को पैसा जाता है, पाकिस्तान के ऊपर यही खर्चा था ना अफगानिस्तान के मामले में टेररिस्ट पर, अब फिर एक दफ़ा सर्ज हो गई। आप देखिएगा अफगानिस्तान सवात में क्या सूरत हाल चल रही है, देखें क्या आगे होता है। मगर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एड्रेस टेक्निकल डेफिशिएंसीज टू मीट द कमिटमेंट ऑफ इट्स एक्शन प्लान रिगार्डिंग स्ट्रेटजिक डेफिशिएंसीज दैट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आइडेंटिफाइड इन जून 2018 में इन्होंने आइडेंटिफाई की थी, और 2021 तक आगे यानी ये जो 2018 से लेके 2021 तक ये काम किया गया था, उसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क को उसने विजिट किया कि क्या वाकई हुआ कि नहीं हुआ। सर रिजीम चेंज आया मगर ये पेपर वर्क 2018 से 2021 के दरमियान, आप जाइएगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की साइट पे, स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं कि उन्होंने कहा है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान हैज स्ट्रेंथन द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स जो ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी का और इसका रिजीम एंड एड्रेस टेक्निकल डेफिशिएंसीज टू मीट द कमिटमेंट ऑफ इट्स एक्शन प्लान रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज दैट आइडेंटिफाइड, और 2018 से 2021 के दरमियान इन्होंने मुकम्मल की हैं। यहाँ पे फॉरेन हेर जो हमारी फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्टर हैं हिना रबानी खार, उन्होंने बल्कि एक्नॉलेज किया ऑफ कोर्स जिस जगह पे वो बैठी हुई थी बिकॉज शी वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान देयर शी हैड टू, लॉन्ग एंड आर्डियस जर्नी हैड ओनली बीन मेड पॉसिबल थ्रू द स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल ओनरशिप अक्रॉस द पोलिटिकल स्पेक्ट्रम, इट शोज पाकिस्तान के अचीव मच वैन वी वर्क टूगेदर फॉर पाकिस्तान इंटरेस्ट, शी सेड देर आर मैनी पीपल हु कॉन्स्टेंटली वर्क थ्रू द 4 ईयर्स। तो ये 2022 है, 4 साल का काम था पीछे और ठीक ठाक होमवर्क था। बल्कि मिफ्ते इस्माइल से एक सवाल जो इनकी पहली मीटिंग थी जब किया गया था, तो उन्होंने कहा था अच्छा आई डोंट नो आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, ये तो मतलब विदाउट फुल होमवर्क भी गए थे बिकॉज एवरीथिंग हैपेंड सो सडनली। उन्हें हिना रबानी ने कहा इट शोज पाकिस्तान कैन अचीव मच व्हेन वी वर्क टुगेदर फॉर द पाकिस्तान इंटरेस्ट, शी सेड देयर आर मैनी पीपल हु कॉन्स्टेंटली वर्क थ्रू The 4 years of, to achieve success today, a few of them are here in Paris who are part of the final lap, but many others in the wide area of the ministers, organization, institutions are in Pakistan. I particularly want to congratulate also. Pakistan ka almiya ye hai ki meri, aapki, hamari political affiliations hain. Agar political affiliations nahi to ek khauf hai. Agar khauf nahi hai तो एक वो कहते हैं ना लिहाज लिहाज मुलाजा मार जाता है, दैट्स ऑल व्हाट इट इज़। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर रहे, अल्लाह करे कि हम अपनी यंग जनरेशन को डायरेक्ट साइड के राइट साइड के ऊपर लेके जा सकें। हमारे तो रोल मॉडल्स इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे हैव मनी टू करप्ट एनीबॉडी। दो जुमले मुझे जरा कहने दीजिए जी, मैं इन्हीं के हवालों से, इन्हीं की किताबों के हवाले से कहना चाहता हूँ कि अमेरिका यानी सीआईए विद द ट्रैप टेरर किताब जो है उसमें
उन्होंने कहा कि सीआईए ने खुद एतराफ किया इस बात का, खुद सीआईए का जो डायरेक्टर उसने किताब लिखी है, उसने कहा कि हमने 56 मुल्कों में हुकूमतें तब्दील की हैं, क्या ये टेरर नहीं है? क्या ये फिर दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट जो है हिंदुस्तान है, वो अफगानिस्तान से उसने पाकिस्तानी तालिबान को वजूद में लाया, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक होते रहे, पाकिस्तान ने दर्जनों मरतबा को और जो बड़ी ताकतें उनको शवाहद के साथ सबूत पेश किए, सबसे बड़ा टेररिस्ट हुआ है, वो फैटर का शिकार क्यों नहीं हुआ? इसलिए फैटर जो है, ये मैं बताऊं, ये कमजोर कौमों के ऊपर यही मर्ग मफाद ज्यादा बात होती है, जो कमजोर कौमें हो जाती हैं तो उनके साथ यही सलूक किया जाता है। जब आप इस तरह का सलूक, जब आपके अंदर सियासी अदम इस्तेकाम होगा, माशी अदम इस्तेकाम होगा, अब आपको माशी तौर पर इसलिए खड़ा किए करने दिए जा रहे, उन्हें पता है कि पाकिस्तान का अब एक ही इलाज है, अब आप पाकिस्तान को ना तो दिवाली होने दिया जाएगा, ना दिवाली से आगे बढ़ने दिया जाएगा। अब आप देखें कि सऊदी अरब से 12 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है रिफाइनरी लगाने की, पहले भी आई थी लेकिन हमारे पास कोई रिफाइनरी नहीं थी, रिफाइनरी की मदद तो आ गई है लेकिन रिफाइनरी का सूर अब बन रहे हैं, ये तो हमारा हाल है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और वो एक बादशाह था ना, उसने कहा था, यू गिव मी एजुकेटेड मदर्स आई शेल प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। हम तो नेपोलियन बोनापार्ट, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मुझे मेरा तो इल्मिया सिर्फ इतना है, आप क्या दे रहे हैं? आपकी लीडरशिप अमीर लोग हैं, आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड कोट पहनते हैं, ब्रांडेड स्कार्फ्स देते हैं, क्या कसूर है शरीफ आदमी का, गरीब आदमी का? इनकम डिस्पैरिटी किस लेवल तक पहुंची हुई है टू अचीव दैट स्टाइल? वो क्या करेंगे? चोरी करेंगे, वो फ्रॉड करेंगे, हमारे यहाँ बेईमानी करेंगे। ये जमहूरियत की माँ है ना, तो ये जमहूरियत का समर ले लिया ना कि एक आदमी जो कि जिसका आप तस्करा प्रोग्राम शुरू किया है, ऋषि सुनक जो है वजीर आजम बन रहे हैं, तो यहाँ के निजाम का हिस्सा है ना, ये यहाँ के निजाम का हुसन है ना, यहाँ पे हम जमहूरियत का नाम तो लेते हैं, ब्रीफ केस खुद पकड़ के चलते हैं, यहाँ जो पाकिस्तान में जमहूरियत का नाम तो लेते हैं, हिंदुस्तान भी यानी ऐसी जमहूरियत में चल रहा है, आप घबराए नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो काबिल ज्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे मेरी मेरी जरूरत है कि मैं अपने घर को साफ करूँ, बजाय किसी को उठाने के अपने घर को साफ करूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे। आई डोंट नो, इंशाल्लाह हम इतने दीवार के साथ अब लग चुके हैं तो अब हमें जागने का मौका है। चाइना ने 40 साल में अपने आप को तब्दील कर दिया, अपसाइड डाउन 180 डिग्रीज का चेंज आया है, इंशाल्लाह वी विल वर्क टुगेदर। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर रहे। अल्लाह तबारक व तआला को इशफाक अहमद कहा करते थे ना, कि आपको आसानियाँ अता फरमाए और दूसरों को आसानियाँ देने का मौका दे। आमीन सुम्मा आमीन, लव यू ऑल, इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।